वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम्स गार्डन एंड रिसाइकलिंग क्रिएटिविटी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप 2 लीटर की पेप्सी की बोतल या वेस्ट बोतल से प्लांटर कैसे तैयार कर सकते हैं और उसमें प्लांट आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, जिससे आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी होगा, फ्लावर भी देगा और मरेगा नहीं। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंचता रहे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, ये हमारी 2 लीटर की बोतल है, जो पेप्सी की बोतल मैंने आज ली हुई है। तो इसी से आज मैं आपको प्लांटर बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो स्टिकर है ये हमको रिमूव कर लेना है, क्योंकि उसके बाद ही हम इसको पेंट कर पाएंगे या फिर हम इसको कट कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाता है, आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली मैंने ये रिमूव कर लिया है और अब हम इसको कट करेंगे। कट करने से पहले आप इसको मार्कर से मार्क भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको जितना साइज़ इसका लेना है उतना आप मार्कर से इसको मार्क कर लीजिए, मैंने जैसे किया हुआ है। तो अब हम इसको यहाँ से चाकू से कट कर लेंगे। मैंने चाकू लिया है, आप चाहे कैंची या फिर आपके पास कटर है, आप किसी की भी हेल्प से बस इसको आपको कट करना है 2 पार्ट में। इससे हमारे 2 प्लांटर तैयार होने वाले हैं। तो ये कट होने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे 2 प्लांटर तैयार होने वाले हैं आज। तो ये इन पे अब हमको कर लेना है पेंट दोनों पर। तो इसमें हम बड़े साइज़ का भी लगा सकते हैं और एक छोटे साइज़ का हमारा इसमें प्लांट लगेगा और एक बड़े साइज़ का इसमें हम प्लांट लगा सकते हैं। तो इसमें आज मैं करने वाली हूँ ब्लैक कलर और ये हमारा ब्रश है, इसे हम इस पे ब्रश से कर लेंगे पेंट। पेंट करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से प्लांटर तैयार हो चुका है। तो ये मेरे सूखने के बाद का रिज़ल्ट है, तो मैंने पेंट करके इसको सुखा के तैयार भी कर लिया है। तो अभी मैं इसको करने वाली हूँ डिज़ाइन। आप इसको डिज़ाइन किसी भी शेप में कर सकते हैं, आप चाहें तो जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आप बना सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर आप अच्छी आपकी आर्ट है, ड्राइंग अच्छी है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये है मेरे मार्कर, मैं मार्कर से भी कुछ मार्कर से इसका डिज़ाइन करूँगी, कुछ मैं पेंट की हेल्प से इसका डिज़ाइन करूँगी। तो सबसे पहले हमें जो छोटा प्लांटर है इसको तैयार कर लेना है। इसके लिए मैंने ली है एक लीव्स, तो इस लीव से आज मैं इस पर डिज़ाइन करूँगी, बहुत ईजिली बनने वाली है ये। तो ये हमारी लीव से इसको हमें कर लेना है किसी भी पेंट। आप मैंने इस पे ब्लैक किया है तो इसलिए मैं येलो ले रही हूँ, ब्लैक पे आप वाइट भी ले सकते हैं, जो भी कलर आप करना चाहें उससे आप इस पे कर सकते हैं। तो मैं ब्लैक पे येलो से डिज़ाइन बनाऊंगी। तो पत्ती पर सिर्फ आपको एक ही बार पेंट लगाना है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही ईजिली आपको बस सिर्फ इतना करना है इसमें और हटा लीजिए, देखिए इसका डिज़ाइन हो गया है तैयार। तो आपको सिर्फ एक बार इसमें पेंट लगाना है और आपका जो पूरी बोतल है ये पूरी बोतल का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा इसमें। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरी बोतल पे एक ही बार पेंट करके पत्ती से डिज़ाइन बना लिया है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा फ्रेंड्स। और इस पर अलग से कोई डिज़ाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत सुंदर दिखाई देने वाला है। तो देखिए ये हमारा डिज़ाइन हो गया है तैयार, तो इसको हम रख देते हैं अभी साइड। अब हम दूसरा तैयार करते हैं। ये हमारा मैंने 1-2 लाइनिंग इस पे येलो कलर की हुई हैं और ये नीचे हमारा थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन और बना देंगे हम, जिससे ये हमारा कुछ हनी बी के लुक में दिखने वाला है प्लांटर। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा ये भी तैयार हो चुका है। तो अभी हम इनको सूखने के लिए रख देते हैं। उसके बाद सूखने के बाद हमें क्या कर लेना है, इसमें कर लेना है हमें होल। होल करने के लिए आप कोई भी, या तो आपके पास होल करने के लिए ड्रेनिंग होल मशीन है उससे कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी नुकीली चीज़ गर्म करके उससे इसमें होल बना सकते हैं। होल बनाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हम ये प्लास्टिक के डब्बों में बना रहे हैं। तो ये मैंने हैंग करने के लिए होल किए हुए हैं, पीछे दोनों में मैंने होल किए हैं हैंग करने के लिए। और इसमें देखिए मैंने प्लांटर भी लगा दिया है, तो आप बहुत ईजिली इसमें प्लांटर, बहुत अच्छे अच्छे प्लांटर इसमें आप लगा सकते हैं और बना सकते हैं इसको ऐसे, और आपका प्लांटर भी नहीं मरेगा। सिर्फ आपको ड्रेनिंग होल का इसमें ध्यान रखना है, अगर आपके ड्रेनिंग होल अच्छे रहेंगे तो आपका प्लांटर बहुत ही अच्छी कंडीशन में रहेगा इसमें और बहुत अच्छा ग्रो होगा, क्योंकि मैंने खुद लगा के देखा है, खुद रिज़ल्ट लिया है इसका, उसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।